आज हम लाए हैं आपके लिए घेवर की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। सावन चल रहे हैं, तीज का त्योहार है और रक्षाबंधन भी आने वाली है। ये हमारी बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसको इन दिनों लोग बहुत पसंद करते हैं, बहनों को देना, बहनों के घर लेके जाना। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लगेगा ये 1 कप हमने मैदा लिया हुआ है, इसको हम इसमें डालेंगे। 1 कप मैदा लिया हुआ है, ये कुछ मेवा ली हुई है हमने गार्निशिंग के लिए, ये चीनी ली हुई है हमने 1 कप ही ली हुई है, जितनी मैदा उतनी ही चीनी ली हुई है, इसकी हम चाशनी बनाएंगे। और ये मलाई है, इसमें हमने पाउडर शुगर को डाल के तैयार कर लिया है। आपको मलाई या रबड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, घर में जो फ्रेश दूध की मलाई होती है उसी में शुगर डाल के पीसी भी इसको इस तरह से मिला सकते हैं और ये इसको गार्निशिंग के लिए काम आएगी। और ये है थोड़ा साइज जो हम इसे क्रीमी करेंगे घी को, उस समय काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेते हैं ये 2 टेबल स्पून घी। ये 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, इसमें हम ये अपनी आइस डालेंगे। अब इसे हम क्रीमी करेंगे फास्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्रीमी हो गया है, दाना बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल बारीक हो गया है सारा, ये क्रीमी हो गया। अब इसमें धीरे धीरे हम ये मैदा मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा बटर बनना चाहिए हमारा। अब ये सारी मैदा हम इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और इसमें हम थोड़ा ये ठंडा पानी रखा हुआ है, गर्म पानी नहीं डालना होता है इसमें, ठंडा पानी ही डालते हैं। इस तरह डाल के अच्छे से इसे बैटर को तैयार हो जाएगा ये हमारा मिक्स करते करते। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे अभी। ये देखिए, ये रेडी है हमारा, और हमारा पैन भी रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा धुआं उठने लगा है, फ्राई पैन गर्म हो गया है, खूब तेज तेज में ही बनाते हैं ये, हल्के में नहीं तैयार होता ये, वरना ये फूलेगा नहीं और ना ही इसमें जाली बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, हम डालते हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स हम डाल रहे हैं इसमें, ये बीच से हम हटाते रहेंगे, इसमें जगह बनाएंगे इसके लिए डालने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिक गया है, अब बुलबुले भी आने कम हो गए हैं। देखिए ये हम निकाल रहे हैं आपके सामने, इतना खूबसूरत जालीदार हमारा ये बनके तैयार हुआ है, देखिए नजर आ रहा होगा आपको। इसमें घी काफी होता है इसलिए थोड़ी देर हम ऐसे रखेंगे और इसके बाद उठा के हम इसे एक प्लेट पे रख देंगे जिसके नीचे में कटोरी लगाई हुई है, इस तरह से यहाँ रख देंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है ये। अब हम दूसरा बनाते हैं आपके सामने फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा डालने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चाशनी बनाएंगे इसकी। ये मैंने 1 कप मैदा ली थी, इसमें 1/2 कप हम सिर्फ पानी डालेंगे और ये 1 कप हम ये इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसी कप से नाप के हमने, यही मेजरमेंट हमने लिया है। अब इसको हम चलाएंगे और हल्की हल्की आंच में इसकी चाशनी बनने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा दूसरा वाला भी सिक्के तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसको दबा के आराम से कुछ करते हुए इसको हम सेक लेंगे।
देखिए बहुत अच्छा सा सिखाया हमारा ये गुलाबी गुलाबी, ये देखिए ये हो गया है हमारा लगभग। हाँ देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा वाला भी हमारा बनके तैयार हो गया है, अच्छे से सीख गया है। देखिए इसको भी हम यही रख देंगे इसी के ऊपर और ये क्या सेल्फी कर देंगे हम। अब इसे ज्यादा इसको तार वाली नहीं बनानी है, हल्की सी बनानी है, बस ये उबाला आ जाए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ज्यादा गाढ़ी करेंगे तो ये घेवर के अंदर नहीं जाएगी, पूरा अंदर तक नीचे नहीं पहुंचेगी, ना ही मीठा होगा, फीका रह जाएगा घेवर हमारा, और ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई है, इसमें हमने चुटकी भर फूड कलर डाला है और इलायची डाली हुई दो तीन फूट के, ये बस अब हमारी ये चाशनी तैयार है। फ्रेंड्स ये हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं, ये दो हैं देखिए और ऊपर रखे हुए, अब इसमें हम ये चाशनी डाल दें, अच्छे से चाशनी डालेंगे सारे में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, होममेड होममेड फ्लेवर ये देखिए। आप इसे ऐसे भी आप खा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं मलाई के साथ तो ये हमने मलाई को ताजे दूध की मलाई है, स्पेशल हमने बनाई नहीं है इसके लिए, ये हमने अभी दूध उबाला था उसमें से निकाली हुई है, इसी से हम गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मलाई हमने लगा दी है इसके ऊपर, अब हम इसमें ये डालेंगे थोड़ी सी बादाम, काजू है, बादाम है, चिरौंजी है इसमें, और जो आपकी पसंद की मेवा हो, जिसे जो मेवा ज्यादा पसंद करते हैं उसे गार्निश कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ये बनके हमारा, ये बट तैयार हो गया है, इसे आप ही खाएं, परिवार में खिलाएं, बहनों के घर जाएं तो उसे लेकर जाएं, घर में बना के कहीं भी जाएं रिलेशन में, त्योहार का मौका है, रक्षाबंधन का मौका आ रहा है, और इसे अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।